बारामूला मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, कंडी के जंगलों में भी जारी है तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में एक दहशतगर्द मारा गया है। कश्मीर जोन की पुलिस की जानकारी के अनुसार कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, इसलिए तलाशी अभियान जारी है। दूसरी तरफ राजौरी के कंडी जंगलों में मुठभेड़ जारी है। पीआरओ डिफेंस जम्मू ने बताया कि अभी सुरक्षा बलों का मुठभेड़ अभियान चल रहा है और आतंकियों से संपर्क हो गया है। सूत्रों के अनुसार जंगली इलाका इतना घना है कि वहां पर ड्रोन की मदद से भी कुछ देख पाना संभव नहीं। राजौरी पुंछ जिले में जब आतंकवाद चरम पर था तो आतंकी केसरी हुल और आसपास के घने जंगली इलाकों में प्राकृतिक गुफाओं में पनाह लेते थे। उसी तर्ज पर फिर से आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पीएएफएफ ने फिर ली जिम्मेदारी। आतंकी संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने राजौरी में 5 जवानों की शहादत की जिम्मेदारी ली है। फ्रंट ने टेलीग्राम पर लिखा कि वे जैसा चाहते थे ठीक उनकी उम्मीदों के मुताबिक हुआ। घात लगाकर आईईडी को रिमोट से विस्फोट किया। ये भी लिखा कि कितना आसान है घात क्षेत्र में उकसाकर बुलाना, कितना आसान है सेना की हर हरकत का पता लगाना। हमने जंगलों को बहुत ही अच्छे से अपने लिए तैयार किया है। सैन्य जवानों की शहादत पर सियासी नेताओं ने जताया दुख। राजौरी में 5 सैन्य जवानों की शहादत पर राजनीतिक नेताओं ने गहरा दुख जताया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवाद की जितनी भी निंदा की जाए कम है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना भी प्रकट की है। पीडीपी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आतंकियों की कायरतापूर्ण हरकत है। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बलिदान देने वाले सैन्य जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राष्ट्र उन्हें हमेशा याद रखेगा। कश्मीर जोन की पुलिस की जानकारी के अनुसार बारामूला के करहामा कुंजर इलाके में मुठभेड़ हुई है। पुलिस और सुरक्षा बल मोर्चे पर है। एक आतंकी मारा गया है।